अधिकारी श्री राजेश कुमार त्यागी जी की अध्यक्षता में मनाई गई स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती। जनपद अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती युवा दिवस के रूप में मनाने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधीनगर सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। जिलाधिकारी ने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करें, यह तब संभव है जब आप सकारात्मक विचार रखेंगे। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, व्यवधान को पार करके ही लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। उन्होंने युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कलेक्ट्रेट में उपस्थित युवाओं से कहा कि संकल्प लें कि सकारात्मक विचार के साथ कार्य करें और देश के बारे में भी सोचें। जिसके बाद जिलाधिकारी ने लैंडमार्क GMS और विद्या भारती के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। वो बहुत बड़ी होती है, उन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कितना बढ़िया संबोधन दिया कि सब आश्चर्यचकित रह गए। सब आते थे, क्या कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने क्या कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो अपने आप से जोड़ लिया, कनेक्ट बनाया उन्होंने लोगों से, तो उनके अंदर जबरदस्त संभाषण कला थी, लोगों को सम्मोहित कर लेते थे। उनके वचनों को अगर आप पढ़िए तो वो कहते थे जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। आप सोचो कि मुझे पेट में दर्द है, थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा। आप समझो कि मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, आप शक्तिशाली हो जाएंगे। तो जो जैसा विचार, अगर नकारात्मक विचार है, वो आपकी क्षमता को प्रभावित करेगा। मैं पवी सिंह, लैंडमार्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BEd सेकेंड स्टूडेंट हूँ, और मुझे ये स्मार्टफोन मिला है स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण की ओर से। थैंक यू सो मच। मैं ये देना चाहूँगी, आजकल जिस तरह से युवा सभी मतलब आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं चाह रही वो अपने रोल मॉडल किसी एक्टर को या फिल्म एक्टर इन सबको माने वो, बल्कि इन चीज़ों को माने जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, या इस समय हम उनको भी देख सकते हैं जैसे हमारे ये प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों को देखते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से जिस एज में वो लोग हैं, हम लोग अभी तो यंग एज में हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं और भी बढ़ सकते हैं।